कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह हाजिर हो गई हूँ मैं नेहा राजपूत आपके सामने लेकर साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, हर नया हफ्ता आपके अपने साथ जो है कुछ अच्छी बातें और कुछ ऐसी बातें अपने साथ लेकर आता है जिससे हमारे जीवन में थोड़ी उठापटक मच जाती है। लेकिन जीवन की परेशानियां तब बड़ी नहीं लगती जब हमें उनके बारे में पहले से ही पता हो। इसी बात को आधार बनाकर हम आपके लिए लाते हैं साप्ताहिक राशिफल, जिसे जो है इस वीडियो को देखकर आप जान जाते हैं, इनकी बातों को सुनकर आप जान जाते हैं कि आपके लिए जो है सप्ताह क्या कुछ लेकर आने वाला है और अगर आपके जीवन में कोई समस्या आने वाली है तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। साप्ताहिक राशिफल में आपको अपने जीवन के जो है किस पहलू में थोड़ी उतार चढ़ाव देखनी पड़ सकती है इस बात की जानकारी और किन उपायों को करके आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं इसकी पूरी खबर भी मिलती है। तो चलिए देर किस बात की, अभी आपको बताते हैं 9 मार्च से 15 मार्च तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, कुछ सवाल जो आपके मन में होंगे कि ये जो नया हफ्ता है ये इसमें आर्थिक हालात में कुछ सुधार आएगा, इस नए हफ्ते में स्वास्थ्य के प्रति कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं। फैमिली लाइफ कैसी चलेगी, आपके जो है प्रेम जीवन कैसा रहेगा, ये सब कुछ चीजें ना मन में उठा पटक चलती रहती हैं। तो ये जो राशिफल होता है ये आपको इन्हीं सब चीजों में हेल्प करता है। वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है ये राशिफल। करियर, जॉब, प्यार, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक दृष्टिकोण जैसे जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से आपको उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं। साथ ही किन किन जीवन के किन किन पहलुओं के बारे में जो है आपको थोड़ा सतर्क रहना है, बाधा आ सकती है, परेशानी आ सकती है, कौन सा उपाय करना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके राशिफल के बारे में बात करेंगे। और यह जो राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता वो क्या करें, वो हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं या फिर हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों ने को हम ये जानकारी हमेशा बताते थे, तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि वहां जाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से अपनी चंद्र राशि पता करें। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हमने इसे और भी सुविधाजनक बना दिया है। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है चंद्र राशि कैलकुलेटर का। उस चंद्र राशि कैलकुलेटर पर जाकर आप वहां अपने बर्थ डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो आपको आपकी चंद्र राशि पता चल जाएगी। तो ये सुविधा आपके लिए हमने कर दी और बहुत ही आसान बना दिया अपनी चंद्र राशि का पता लगाना। तो ऐसे ही आप अपने सुझाव हमें देते रहें, ऐसे ही आप हमसे सवाल करते रहें, अपनी चीजें बताते रहें, हम भी कोशिश करेंगे किसी न किसी माध्यम से ज्योतिष के द्वारा आपकी परेशानियों को हल करते रहें। इस हफ्ते का हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय तथ्य जान लेते हैं। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 9 मार्च से हो रही है, जबकि इस सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 15 मार्च को होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 9 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि यानी कि 10 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके बाद महीने की 12 तारीख को संकष्टी चतुर्थी और अंत में 14 मार्च को मीन संक्रांति मनाया जाएगा। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपको इस पूरे हफ्ते में तीज त्यौहार मिलने वाले हैं। होली बहुत बड़ा त्यौहार है तो उसको बहुत अच्छे से मनाइएगा। आगे वीडियो में आपको बताएंगे कुछ इससे जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में। फिलहाल बताते हैं आपको कि इस हफ्ते कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है जिसका जो है राशि परिवर्तन आपकी जो है जिंदगी पर असर डालेगा। तो सूर्य का गोचर हो रहा है 14 तारीख को मीन राशि में। तो 14 मार्च को मीन राशि में जब सूर्य जाएंगे तो ये जो है अपना प्रभाव दिखाएंगे आपकी राशि पर, और क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको राशिफल के माध्यम से मिलेगी। बाकी चंद्रमा तो गोचर करते ही हैं, चंद्रमा इस हफ्ते पूरे हफ्ते में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। चार राशियों में चंद्रमा का गोचर होगा और इन्हीं दोनों जो है सूर्य और चंद्रमा के जो ये गोचर है इन्हीं को हमने आधार माना है। इनके गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर यही बताने जा रहे हैं आपको आपके राशिफल में। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सबसे आखिरी राशि, राशि चक्र की जो होती है मीन राशि, उसके बारे में। छठा, सातवां, आठवां और नवां भाव आपका सक्रिय रहेगा। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से जो है इन्हीं भावों में जाएगा और इसको एक्टिव करेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस दौरान कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए अपना ख्याल रखें। बाहर का खाना खाते हैं तो पेट से जुड़ी कोई समस्या होने की संभावना है।
होली के त्यौहार के दौरान ज्यादा तले भुने खाने और तैलीय पदार्थ खाने की चीजों से बचें। खुद को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। षष्ठम भाव के बाद चंद्रमा जब आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा तो स्थिति कुछ सुधरेगी। आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सुधार हो सकता है। इस राशि के जो लोग साझेदारी में कारोबार करते हैं उन्हें भी लाभ होगा। यदि आप अपने कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इस समय अपने घर के लोगों से सलाह मशवरा करें। आपका जीवन साथी इस समय आपका साथ देगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। विद्यार्थियों को गुप्त विषयों को जानने का मन करेगा। अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप अन्य पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। सप्ताह का अंत नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से होगा। परिवार के लोगों के साथ इस दौरान आप धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इसके साथ ही परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने की भी आप पूरी कोशिश करेंगे। बात करें जो है प्रेमियों की तो इस सप्ताह आपको बहुत संभलकर चलने की जरूरत है। गलत फहमियों की वजह से दूरियां बढ़ सकती हैं। आपके ऊपर गुस्सा हावी रहेगा और आप अपने जीवन साथी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। यदि आप अपने संगी से जो है सच में प्यार करते हैं तो शांत रहकर उनसे बात करें और समस्याओं को सुलझाएं। विवाहित जातकों के लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह उनका पूरा साथ दें और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बात करें। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर केले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो जाना हमने मीन वालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाला 7 दिन। 9 मार्च से 15 मार्च के बीच का ये 7 दिन बहुत कुछ आपके जीवन में उठापटक लेकर आएगा। किस तरीके से आ रही परेशानियों को दूर करना है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। साथ ही बताया एक ज्योतिषोपाय जिसकी मदद से आप अपनी परेशानियों को हल करेंगे। दोस्तों इस जो 7 दिन है इसमें एक बहुत बड़ा त्यौहार है होली का। 10 मार्च को होली है, 9 मार्च को होलिका दहन है। तो होली के दिन लोग जो है रंगों से खेलते हैं। होली के समय में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, खुशियां बांटते हैं। कोशिश आपको करनी है, एक जो है आप सभी से एक अनुरोध है कि आप अपने रंगों से बेजुबान जानवर जो कि हमारे जैसे जानवर होते हैं लोग उन पे रंग फेंक देते हैं, उन पे जो है उनके साथ उनको परेशानी होती है इससे, तो कृपया रंग खेलें लेकिन थोड़ा सा सही तरीके से। कोशिश करें इसे मिठाई आदि एक दूसरे को खिलाएं, प्यार मोहब्बत से बांटें। आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, दूसरे को तकलीफ ना हो, इस बात का बस आपको इस होली ध्यान रखना है। प्यार बांटना है, अच्छे से खेलना है और साथ ही एक कार्य करना है। अगर आप सक्षम हैं तो किसी एक या किसी को भी गरीब इंसान को या जिसकी जो जो नहीं कर सकता अपनी चीज़ों की पूर्ति उसको उसके जीवन में आप रंग लाएं, उसके जीवन में आप उसको इस होली के पे कुछ त्यौहार दें, कुछ पैसे दें, कुछ खाने की चीज़ें दें और उसके चेहरे की खुशियां जो है उसके चेहरे की स्माइल जो है आपकी लाइफ को बदलने का कार्य कर सकती है। तो ज़रूर इस होली ये 2 कार्य करना है आपको। एक किसी को परेशानी में नहीं डालना है और एक चेहरे पे किसी के मुस्कान की वजह बननी है। तो ये काम करके देखें। बाकी ये आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हो, खुशियों से भरा हो, यही हमारी कामना रहेगी। होली की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस तरह आप अच्छी अच्छी बातें जानते रहें। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए।